बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाली मीठी गंदम। आधा किलो है, इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। बस 1-2 पानी निकाल लेंगे। इसको ढांप के रख देते हैं। तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं गंदम के भिगे हुए। ये कुछ इस तरह हो गई है। ये बगैर छिलके वाली गंदम थी जो हम दलीम में डालते हैं। ये 1/2 किलो गुड़ है, तकरीबन 1 पानी गिलास का डाल के गुड़ को पिघला लेंगे। आधा कप के करीब इसमें घी डालेंगे। दो चम्मच डालेंगे सफ़ेद जीरे के। और 1 चम्मच, 1 और ये 2 चम्मच जीरे के भरे हुए। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे। और 1 किलो के करीब अब इसमें पानी डाल देंगे। बॉयल आने पर इसमें गंदम डाल के प्रेशर कुकर 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। जब तक इधर गुड़ भी पिघल जाएगा। गैस निकल गया है। ये देखें तकरीबन ये इस तरह हो गई है, गल गई है। अब चूल्हा जलाएंगे दोबारा। ये 4 अदद छोटी इलायची डाल देंगे। ये गुड़ पिघल गया है। अगर मीठा कम हुआ तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे। कोकोनट चूरा 3 चम्मच। अब तकरीबन इसको 15-20 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अगर मीठा काम लगा तो मैं इसमें शक्कर थोड़ी सी डाल दूंगी। गुड़ वाली गंदम हमारी तैयार हो गई है। आप इसको बॉयल करके ऊपर शक्कर डाल के खा सकते हैं।
वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें थोड़े से मैं तिल शामिल करूँगी, तकरीबन एक चम्मच के करीब। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मीठा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी पर रख सकते हैं। अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। थोड़ा सा इसको गार्निश करने लगे हैं। बादाम डालें, जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।